हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो आज आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही थी, जैसे आजकल बहुत समर हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को फेस बिल्कुल डल हो जाता है। हम बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करने जाते हैं, किसी न किसी वजह से हम स्कूल अपने कुछ पर्सनल कामों के लिए बाहर भी जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है, फेस है, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे एक रेड ओबेशन, जो कि हमारे रोज़ पेटल का बना हुआ एक मास्क है, प्लस हमारे जो कुछ कैप्सूल्स हैं, फ्लेक्स कैप्सूल्स हैं, हम इन कैप्सूल्स को मिक्स एंड मैच करके एक पैक बनाएंगे, एक सिंपल सा फंडा करेंगे, और आप देखेंगे उसके बाद मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। तो हम शुरू कर रहे हैं। मैंने एक बाउल लिया है, तो मैंने ये पैक डाला है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हम पानी ऐड ऑन करेंगे। ये मैंने एक कैप्सूल लिया जिसे हम सीजर से कट करेंगे। ये जो कैप्सूल है इसमें काफ़ी कुछ है, मेगा 369 विटामिन ई, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कोल्ड प्रेस्ड है, ये जो कैप्सूल हैं, ये मैंने ये कैप्सूल्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं। तो मैंने इस तरह से एक पैक बनाया है। ये जो ये कैप्सूल्स हैं, ये रिंकल्स के में बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को टाइटनिंग चाहिए, स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो समझ में स्किन बहुत डल हो रही है, तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। फिर हम जो फ्रेग्रेंस है वो भी बिल्कुल इसकी, इसमें रोज जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। अगर आप और कुछ भी नहीं करो, एक आइस के पैक्स बना के रख सकते हो इन पैक्स के। मेरे काफ़ी सारे यूट्यूब जो वीडियोस हैं उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, जो आप इस तरह से पैक्स बना सकते हो जो समर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लस आप हफ्ते में एक दिन भी आप अगर थोड़ा सा भी अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, फेस पैक्स वगैरह यूज़ करते हो, स्क्रबिंग करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें आपके स्किन को यंग रखती हैं। पैक रेडी कर लिया, तब इसे ड्राई होने की वेट करते हैं, फिर मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो मेरा पैक काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। गर्मी है तो स्वेटिंग होती है, तो बार बार फिर से गिल्ला हो ही जाता है। तो मैं अब इसे वॉश करके आपको वॉश इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जो हम पैक उतारते हैं तो हमें सीधा इसको डायरेक्ट नहीं उतारना चाहिए, हल्का सा इसके पानी लेकर हल्के से उसकी मसाज कर देनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट और अच्छा हो जाता है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप ये देख सकते हैं फेस का ग्लो कर रहा है। आप इसे वॉश करने के बाद एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे हम आइस लेते हैं, मैंने ये एलोवेरा की कुछ आइस क्यूब बना रखी हैं, तो हल्का सा इसको स्मूथिंग और करने के लिए समझ रहे हैं, फिर समझ रहे फेस को भी ठंडक चाहिए होती है। एलोवेरा हमारे पास जूस आता है एक्चुअली, बस आंवला और एलोवेरा जूसेस के थोड़े से पैक्स बना के रख देती हूँ, समर्स के लिए हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो क्वालिटी तो प्रोडक्ट्स में मिल ही रही है, क्वालिटी के साथ साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो हम बहुत सारे प्रमोशन भी दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी आ रही है, हम अपनी तरफ से भी कुछ प्रमोशन दे रहे हैं। तो अगर आपको ये मेरे कुछ भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और आप बाय करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बाय।